सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। फिर से दर्शन तुझको दिखाना ही होगा, अगले बरस आपको आना ही होगा। गणपति बप्पा वो हैं जो लोगों को विघ्न यानी दुखों को हरते हैं। इस बार देश में गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी के साथ ही हमारे देश में बप्पा का आगमन हो जाता है और हर घर में बप्पा विराजते हैं। देखिए गणेश चतुर्थी पूजा के शुभ मुहूर्त और विधि। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, जय देव जय देव। सबके विघ्न को हरते हैं श्री गणेश, भक्तों के कष्टों को करते हैं दूर। इनकी पूजा से पूरी होती है हर मुराद। गणपति विराजेंगे आपके घर, फिर से दर्शन तुझको दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। ये लाइनें सिर्फ और सिर्फ गणपति बप्पा के लिए ही कही जाती हैं। गणपति बप्पा वो हैं जो लोगों के विघ्न यानी दुखों को हरते हैं। इस बार देश में गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जा रही है। गणेश चतुर्थी के साथ ही हमारे देश में बप्पा का आगमन हो जाता है और हर घर में बप्पा विराजते हैं। श्री गणेश के भक्त उन्हें पूरे उत्साह के साथ घर पर लेकर आते हैं और स्थापित करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को है। गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक चलता है। 10 दिन भक्तों के साथ रहने के बाद भगवान गणेश अपने धाम को लौट जाते हैं। 31 अगस्त को गणपति स्थापना के 10 दिन बाद यानी 9 सितंबर को विसर्जन किया जाएगा। मान्यता ये है कि जो व्यक्ति इन दिनों में बप्पा को घर में बैठाकर सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से तनाव खत्म हो जाता है और सुख और शांति बनी रहती है। इस बार गणेश उत्सव में एक खास बात ये भी है कि इन 10 दिनों में रोज कोई शुभ योग बन रहा है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट से लेकर गाड़ी खरीदने तक का कोई भी शुभ काम कर सकेंगे। साथ ही एक ऐसा दुर्लभ योग भी बन रहा है जो पिछले 300 सालों में भी नहीं बना। इन सारे योगों के बारे में इस बार गणेश उत्सव के दौरान नवमी तिथि घट रही है, फिर भी गणपति महोत्सव पूरे 10 दिनों का ही रहेगा। गणपति आगमन और उनके विराजमान होने को लेकर शुभ मुहूर्त 30 अगस्त से ही शुरू हो रहा है। गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त, चतुर्थी तिथि प्रारंभ 30 अगस्त 2022 को 3:33 से होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 31 अगस्त 2022 को 3:22 पर होगी। गणेश चतुर्थी और व्रत पूजा की तारीख 31 अगस्त है। अमृत योग सुबह 7:05 से लेकर 8:40 तक है। शुभ योग सुबह 10:15 से लेकर 11:50 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके लाल या पीले कपड़े पहन लें। ये रंग भगवान गणेश जी को बेहद पसंद है। अब पूजा स्थल पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद उनका जलाभिषेक करके उन्हें सिंदूर का तिलक करें। अब उन्हें दूर्वा फल फूल और मिष्ठान चढ़ाएं और घी के दीपक जलाकर आरती करें। भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए क्योंकि उन्हें दूर्वा बहुत अधिक पसंद है। अब गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, अंत में प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें।
पूजा में इन चीजों को करें शामिल। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को कुछ खास चीजें अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन हल्दी, नारियल, मोदक, सुपारी, गेंदे का फूल, केला चढ़ाने से बप्पा प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में चल रही मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।